हाय एवरीवन, आज सो मेरिज आज से स्टार्ट करने वाले हैं हम लोग ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में, या जो टॉपिक है, टॉपिक ना बोल करके हम लोग चैप्टर ही बोल दें इसे। यह एक कॉमन सा चैप्टर है जो आगे ऑर्गेनिक का हर एक यूनिट जो आप 11th 12th या उसके आगे भी जो पढ़ोगे ना उसमें आने वाला है। अब सब में इसका थोड़ा थोड़ा यूज है, वैसा कोई भी यूनिट नहीं है ऑर्गेनिक का जिसमें आइसोमेरिज्म का यूज ना हो। तो सब में थोड़ा थोड़ा यूज है ना, तो सब में थोड़ा थोड़ा पढ़ने के बजाय हम लोग क्या करते हैं कि स्टार्टिंग में ही इसको सेपरेटली एक अलग सा चैप्टर बना करके पढ़ते हैं। आइसोमेरिज्म को इग्नोर करने वाला टॉपिक नहीं है, क्योंकि हर चैप्टर में यूज हो रहा है। तो आप एक बार इग्नोर करोगे आगे फिर फंसोगे, वहाँ इग्नोर करोगे फिर आगे फंसोगे, इसलिए करने वाला ही टॉपिक है। कम्पिटिटिव एग्जामिनेशन के लिए भी बेहद इंपॉर्टेंट है। जीओसी जो हम लोग पढ़ रहे हैं, जनरल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, नॉमिनक्लेचर पढ़े, मैकेनिज्म पढ़े, और भी प्योरीफिकेशन वगैरह का बात पढ़े, तो ऐसे ही आइसोमेरिज्म भी काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाता है। अब आते हैं चैप्टर पे, आइसोमेरिज्म। या जो आइसोमेरिज्म है ना, इसका डेवलपमेंट जो है आइसोमेरिज्म और एक आइसोमर्स, ये दो चीज़ें हैं। अब यह आया है एक ग्रीक वर्ड से, ग्रीक वर्ड है आइसोस और दूसरा है मेरोस। आइसोस का मतलब हुआ इक्वल, सेम, मेरोस का मतलब पार्ट। तो यहाँ से क्या समझ में आता है हमें कि आइसोमर्स, आइसोस प्लस मेरोस इक्वल पार्ट, कहने का मतलब कि कुछ वैसे कंपाउंड्स जो इक्वल पार्ट से बने होंगे। इक्वल पार्ट्स से बने होने का मतलब कि उस कंपाउंड के मॉलिक्यूल में जो एटम्स होंगे सेम होंगे, सेम एटम्स होंगे, एटम का संख्या बराबर होगा। तो फिर अलग क्या होगा, तो अलग होगा उस कंपाउंड का स्ट्रक्चर, उस कंपाउंड में एटम का अरेंजमेंट, उस कंपाउंड का प्रॉपर्टीज, चाहे वह फिजिकल हो या केमिकल हो। डिफाइन कर सकते हैं हम लोग आइसोमेरिज्म को, द प्रॉपर्टी बाय वर्च्यू ऑफ विच टू और मोर कंपाउंड्स हैव सेम मॉलिक्यूलर फॉर्मूला बट डिफरेंट स्ट्रक्चर्स एंड हेंस डिफरेंट फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज, डिफरेंट फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज इज कॉल्ड आइसोमेरिज्म एंड द कंपाउंड्स which exhibit such property are known as isomers। बड़ा सिंपल सा बात हुआ कि एक वह गुण जिसके कारण, बाय वर्च्यू ऑफ विच का मतलब जिसके कारण, जिसके वजह से दो या अधिक कंपाउंड्स का मॉलिक्युलर फार्मूला तो सेम होता है लेकिन उनका स्ट्रक्चर अलग होता है, और स्ट्रक्चर अलग होने के वजह से जो उनका फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टीज है वह भी डिफरेंट होता है। तो एक वैसा प्रॉपर्टी जिसके वजह से दो या अधिक कंपाउंड्स का मॉलिक्युलर फार्मूला तो सेम लेकिन स्ट्रक्चर और उसके फिजिकल केमिकल प्रॉपर्टीज वगैरह डिफरेंट हो, तो वह प्रॉपर्टी कहलाएगा आइसोमेरिज्म।
और वैसे कंपाउंड जिनमें या प्रॉपर्टी है जिनका फॉर्मूला सेम हो रहा है लेकिन प्रॉपर्टी अलग हो जा रहा है, स्ट्रक्चर अलग हो जा रहा है, तो वे कंपाउंड्स एक दूसरे का आइसोमर्स कहलाएंगे। ठीक है, इतना बात जो है ध्यान में रखना है। अब एग्जांपल से यदि इसको समझना चाहो तो जैसे यहाँ से बताए थे कि ये इक्वल पार्ट, हम जितने भी ह्यूमन बीइंग्स हैं, यदि ह्यूमन बीइंग्स को कंसिडर किया जाए मेल फीमेल दो कैटेगरी में जो बटे हुए हैं हम लोग, तो बनाने वाले ने सबको एक जैसा बनाया है, सबको एक जैसा पार्ट दिया है, बॉडी पार्ट, दो हाथ दो पैर दो आँख एक नाक, ऐसे करके सब व्यक्ति का यही है, मैंने सबका फॉर्मूला क्या है सेम है, इक्वल पार्ट्स है सब में। हाँ, किसी किसी में अलग हो जाए थोड़ा बहुत वो अलग बात है, कॉमन जनरल से बात हम कह रहे हैं। तो हम जितने भी ह्यूमन बीइंग्स हैं सबका पार्ट इक्वल है, सबका फॉर्मूला सेम है, लेकिन इसके बावजूद हम लोग सारे लोग एक दूसरे से अलग दिखते हैं, मतलब हम लोगों का स्ट्रक्चर अलग है। चाहे अलग दिखने का वजह जो हो, किसी का हाइट के वजह से अंतर दिखता है, किसी का जो है अपना हेल्थ के वजह से अंतर दिखता है, जो भी वजह हो लेकिन लोग अलग दिख रहे हैं, और अलग अलग लोग दिख रहे हैं इसके वजह से ही लोगों का प्रॉपर्टी अलग है, लोगों का कैरेक्टरिस्टिक अलग है, उनका बिहेवियर अलग है, तो फॉर्मूला सब व्यक्ति का सेम हुआ लेकिन वे देखने में अलग हुए, देखने में अलग हुए इसलिए उनका प्रॉपर्टी भी क्या हो गया अलग हो गया, उनका गुण जो है एक दूसरे से डिफरेंट हो गया। अब जो लंबा व्यक्ति जाहिर सी बात है कि वह प्रयास करेगा कि हम कुछ वैसा काम करें जो मेरे हाइट को सूट करे, अब एक नाटा व्यक्ति है तो फिर वह वैसा करेगा जो उसके हाइट को सूट करेगा, अलग अलग प्रॉपर्टी हो जाएगा ना। एक बहुत तगड़ा व्यक्ति है तो चाहेगा कि हम रेसलिंग करें बॉक्सिंग करें ऐसे करके, पतला दुबला व्यक्ति थोड़ा ऐसा कर सकता है। तो गुण भी जो है कहीं ना कहीं उसके स्ट्रक्चर से निर्धारित किया जाता है, जैसा कि कंपाउंड में होता है। तो इसका मतलब हुआ कि हम लोग जितने भी ह्यूमन बीइंग्स हैं ना सब आइसोमेरिज एग्जिबिट करते हैं, और हम लोग सब जो है एक दूसरे का आइसोमर्स हुए, जितने भी मेल्स हुए सब एक दूसरे के आइसोमर्स, और जितने भी फीमेल्स हुई वे सभी एक दूसरे के आइसोमर्स हुए। यही वाला चीज़ कंपाउंड में लागू कर दो तो बात काफ़ी क्लियरली समझ में आ जाएगा। अब यहाँ से बात आता है कि आखिर यह आइसोमेरिज्म का कंसेप्ट किस आधार पर आया, क्यों किसी कंपाउंड्स का फॉर्मूला सेम होने के बावजूद स्ट्रक्चर अलग हो जाता है। स्ट्रक्चर अलग होने का मतलब कि उसके एटम्स का अरेंजमेंट अलग हो जाता है। ठीक है, अब इसके पीछे का वजह बताया जाता है कि जो आइसोमेरिज्म है ना वह डेवलप होता है बॉन्ड का डायरेक्शनल नेचर की वजह से, डायरेक्शनल नेचर ऑफ बॉन्ड। अब बॉन्ड से रिलेटेड तो हम लोग पूरा चैप्टर पढ़े हुए हैं केमिकल बॉन्डिंग, कौन कौन सा बॉन्ड पढ़े थे याद करो, आयनिक बॉन्ड पढ़ा था हमने, कोवेलेंट बॉन्ड पढ़ा था, कोऑर्डिनेट बॉन्ड मेटैलिक बॉन्ड, इसके अतिरिक्त हाइड्रोजन बॉन्ड और वेंडरवाल्स, ये थे। तो उस चैप्टर में तो हमने पढ़ा ही था कि जो आयनिक बॉन्ड होता है वो नॉन डायरेक्शनल नेचर का है, कोई फिक्स डायरेक्शन इसका नहीं है। कोवेलेंट बॉन्ड डायरेक्शनल नेचर का होता है, कोऑर्डिनेट भी डायरेक्शनल नेचर का होता है, मेटेलिक नॉन डायरेक्शनल है, हाइड्रोजन बॉन्ड डायरेक्शनल है, वेंडरवाल्स नॉन डायरेक्शनल है। तो डायरेक्शनल बॉन्ड की कैटेगरी में ये तीन है, कोवेलेंट कोऑर्डिनेट हाइड्रोजन, लेकिन हाइड्रोजन बॉन्ड को बॉन्ड तो हम लोग कभी मान करके चले ही नहीं है, हाइड्रोजन बॉन्ड को कभी बॉन्ड मान करके तो हम लोग चले ही नहीं है, सिंपली इसको एक केमिकल फोर्स का नाम दिए गए। तो डायरेक्शनल बॉन्ड अब दो ही बचे, कोवेलेंट और कोऑर्डिनेट। तो ये कोवेलेंट और कोऑर्डिनेट बॉन्ड डायरेक्शनल नेचर होने के वजह से जिस कंपाउंड्स में ये दो प्रकार में से किसी भी एक तरह का बॉन्ड ऑपरेट हो रहा है तो उसमें आइसोमेरिज्म आएगा। अब बोलोगे डायरेक्शनल नेचर ऑफ बॉन्ड भाई हमको नहीं समझ में आ रहा है, तो नहीं समझ में आ रहा है, देखो जैसे हमने पढ़ा कोवेलेंट बॉन्ड डायरेक्शनल है, ठीक है। अब ये भी हम जानते हैं कि कार्बन जो है ना वह चार बॉन्ड बनाता है, ठीक, लेकिन इस चारों बॉन्ड को हम किसी भी डायरेक्शन में तो नहीं बना देते हैं, इस चारों बॉन्ड को हम इस तरह से बनाते हैं कि अरेंजमेंट हमें कैसा मिलता हो, टेट्राहेड्रल। अरेंजमेंट हमें कैसा मिलता है, टेट्राहेड्रल। एंगल पता होना चाहिए 109 डिग्री 28 मिनट, किसी भी एंगल को लोगे इतना ही होगा, 109 डिग्री 28 मिनट। तो यहाँ ये जो दो बॉन्ड्स हैं ना एक पर्टिकुलर एंगल पर रखे गए हैं, मतलब एक पर्टिकुलर डायरेक्शन पर रखे गए हैं,
और ऐसा करने के बाद जो इस अरेंजमेंट मिला, या अरेंजमेंट को हम टेट्राहेड्रल अरेंजमेंट कह रहे हैं, लेकिन मान लो कि यही चार बॉन्ड का अरेंजमेंट यदि इस तरह से हो, ऐसा हो, बॉन्ड यहाँ भी चार है लेकिन अरेंजमेंट अलग है, 90 डिग्री है, और इस वजह से इसका शेप अलग हो गया, इस शेप को हम कहते हैं स्क्वायर प्लैनर, ठीक है। तो चार बॉन्ड यहाँ भी, चार बॉन्ड यहाँ भी, लेकिन यहाँ अरेंजमेंट टेट्राहेड्रल, यहाँ अरेंजमेंट स्क्वायर प्लैनर, एंगल अलग अलग, मतलब स्ट्रक्चर दोनों का अलग हो गया। अब स्ट्रक्चर अलग हो गया तो डेफिनेटली प्रॉपर्टी तो अलग होना ही है, चाहे फिजिकल प्रॉपर्टी की बात करो या केमिकल प्रॉपर्टी की बात करो, वे अलग होंगे ही। केमिकल प्रॉपर्टी कहने का मतलब कि केमिकल रिएक्शंस, किसी दूसरे से रिएक्शन करवाएं तो दोनों का रिएक्शन अलग अलग होगा, और फिजिकल प्रॉपर्टी के अंतर्गत आता है उसका मेल्टिंग पॉइंट है, बॉइलिंग पॉइंट है, डेंसिटी है, सॉल्युबिलिटी है, इस टाइप का प्रॉपर्टी को हम फिजिकल प्रॉपर्टी के अंतर्गत रखते हैं। तो यह जो डायरेक्शनल नेचर था बॉन्ड का, इसी के वजह से तो अलग अलग स्ट्रक्चर बनना पॉसिबल हो पाया, नहीं तो आयनिक बॉन्ड के जैसा नॉन डायरेक्शनल रहता, तो नॉन डायरेक्शनल मतलब बॉन्ड बनने का कोई फिक्स डायरेक्शन है नहीं, तो आयनिक बॉन्ड जैसे यहाँ जैसे तैसे बन रहा है बिना कोई डायरेक्शन का, वैसे ही कहीं और भी बनेगा, कोई फिक्स डायरेक्शन होगा ही नहीं इसका, कोई फिक्स डायरेक्शन नहीं होगा, समझ रहे हो ना बात को। तो जिस मॉलिक्यूल में बॉन्ड डायरेक्शनल नेचर का हो, उसी में उसके एटम्स या ग्रुप का अरेंजमेंट अलग हो सकता है, क्योंकि बॉन्ड अलग अलग डायरेक्शन में ओरिएंट हो सकता है, और वैसे ही कंपाउंड में आइसोमेरिज्म होगा, और जिसके अंदर का बॉन्ड नॉन डायरेक्शनल नेचर का है कभी भी आइसोमेरिज्म एग्जिबिट नहीं करेगा। तो इन शॉर्ट दो तरह का बॉन्ड हमने देखा, डायरेक्शनल कोवेलेंट और कोऑर्डिनेट। तो कोवेलेंट बॉन्ड जिसमें होता है वो कोवेलेंट कंपाउंड्स कहलाते हैं, और कोवेलेंट कंपाउंड्स की कैटेगरी में ही तो ऑर्गेनिक कंपाउंड्स आते हैं ना, ऑल ऑर्गेनिक कंपाउंड्स आर कोवेलेंट इन नेचर, इन सब में जो है कोवेलेंट बॉन्ड ही बनता है। अब चूंकि ऑर्गेनिक कंपाउंड्स में कोवेलेंट बॉन्ड है और कोवेलेंट बॉन्ड डायरेक्शनल नेचर का है, इसीलिए जितने भी ऑर्गेनिक कंपाउंड्स हैं वे सबके सब आइसोमेरिज्म एग्जिबिट करते हैं। क्लियर सब बात? तो आइसोमेरिज्म एग्जिबिट कौन नहीं करेंगे, तो आयनिक बॉन्ड नहीं करेगा, मेटेलिक बॉन्ड वाला कंपाउंड, जितने भी मेटल्स होते हैं मेटल्स आइसोमेरिज्म एग्जिबिट नहीं करते हैं, आयनिक कंपाउंड नहीं करते हैं, हाइड्रोजन बॉन्ड वाले को तो ऐसे नहीं देखना है, वैन डर वाल फोर्स को भी नहीं देखना है, ऐसा। तो ये दो, इसीलिए इस आइसोमेरिज्म को बड़ा ही फ्रिक्वेंटली हम लोग पढ़ते हैं ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में, और जब आप कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री पढ़ोगे, दोनों अलग अलग है, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री अलग चीज़ है, कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री अलग है। ऑर्गेनिक जैसे ऑर्गेनिक में हम लोग पढ़ते हैं, कोऑर्डिनेशन को इनऑर्गेनिक में पढ़ते हैं, और दोनों अपने अपने जगह पर बहुत इंपॉर्टेंट है, दोनों पे दोनों। तो फिलहाल तो अभी हम लोग ऑर्गेनिक वाला पढ़ने वाले हैं, उसके बाद जब कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री पढ़ेंगे तो वहाँ फिर इसका यूज वहाँ भी देखेंगे, लेकिन कंसेप्ट वही रहेगा, कंसेप्ट वही रहेगा। जो कंसेप्ट अभी आप ऑर्गेनिक के लिए पढ़ोगे ना, वही कंसेप्ट आगे कोऑर्डिनेशन में जाएगा, थोड़ा बहुत अंतर होगा जो वहाँ पढ़ते समय हमें पता चल जाएगा, ठीक है। तो अभी तक का डिस्कशन से हम लोगों के सामने जो बातें सामने आई आइसोमेरिज्म को लेकर, कि आइसोमेरिज्म भाई एक वैसा प्रॉपर्टी है जिसमें दो या अधिक कंपाउंड्स का फॉर्मूला सेम होता है लेकिन स्ट्रक्चर अलग होता है, स्ट्रक्चर अलग होने की वजह से उसके फिजिकल केमिकल प्रॉपर्टीज भी डिफरेंट होते हैं, और यह इसलिए होता है क्योंकि उस कंपाउंड में जो मॉलिक्यूल है उसके एटम्स के बीच का बॉन्ड डायरेक्शनल नेचर का है, बॉन्ड डायरेक्शनल होने की वजह से ही बॉन्ड का अलग अलग डायरेक्शन में अरेंजमेंट, उसके एटम का अलग अलग वे में अरेंजमेंट हो सकता है, जिसके वजह से उसका अलग स्ट्रक्चर हो जाएगा, प्रॉपर्टी भी अलग हो जाएगा, ठीक है। तो यह था आइसोमेरिज्म का इंट्रोडक्शन पार्ट, समझ लो कि आइसोमेरिज्म है क्या, कंसेप्ट आया क्यों, आइसोमेरिज्म का कंसेप्ट आया। अब आइसोमेरिज्म का थोड़ा सा टाइप हम लोग देख लें, कितने तरह का जो है आइसोमेरिज होता है जो हमें पढ़ना है इस चैप्टर में। हालांकि इंटरमीडिएट में जो है ना आइसोमेरिज्म को लोग उतना तवज्जो नहीं देते हैं, लेकिन जब आप आगे पढ़ोगे, ग्रेजुएशन करोगे, पोस्ट ग्रेजुएशन करोगे भाई, वहाँ फिर दिक्कत होगा। एडवांस केमिस्ट्री पढ़ते समय आइसोमेरिज्म काफ़ी इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है, ऑर्गेनिक हो या इनऑर्गेनिक में कोऑर्डिनेशन हो, ऑर्गेनिक में ज़्यादा। तो आइसोमेरिज्म के टाइप्स में सबसे पहला आता है स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म, सेकेंडली इसमें हम पढ़ते हैं स्टीरियो आइसोमेरिज्म।
स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म की बात करें, कई टाइप्स के हैं, चेन आइसोमेरिज, सेकेंड नंबर पोजिशनल आइसोमेरिज, पोजिशनल आइसोमेरिज, उसके बाद फंक्शनल आइसोमेरिज, फंक्शनल आइसोमेरिज, नेक्स्ट मेटामेरिज। इसी में हम लोग थोड़ा सा चर्चा आइसोटोपिक आइसोमेरिज्म का भी कर लेते हैं, बहुत कॉमन नहीं है लेकिन हाँ। और इसी में एक आता है टॉटोमेरिज, जिसका कहानी बड़ा ही इंटरेस्टिंग है टॉटोमेरिज्म का, क्या स्ट्रक्चरल के अंतर्गत यह आता है, लेकिन क्या सच में यह स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म है या नहीं है, वो जब पढ़ेंगे इस टॉपिक को तो हम लोग डील करेंगे इसके बारे में। स्टीरियो आइसोमेरिज्म के भी कैटेगरी है, कॉन्फिग्रेशनल आइसोमेरिज, कॉन्फिग्रेशनल आइसोमेरिज, और दूसरा है कन्फॉर्मेशनल आइसोमेरिज, कन्फॉर्मेशनल। कॉन्फिग्रेशनल के दो टाइप हैं, ऑप्टिकल आइसोमेरिज, ऑप्टिकल आइसोमेरिज, जियोमेट्रिकल आइसोमेरिज, जियोमेट्रिकल आइसोमेरिज। और इसको हम लोग चार तरीके से पढ़ते हैं, एक फ्लाइंग वेज, दूसरा फिशर, तीसरा इसमें पढ़ते हैं शाहर्स, और चौथा पढ़ते हैं न्यूमैन, न्यूमैन। इधर के लिए मतलब कि इंटरमीडिएट के लिए जो है ना, यह टॉपिक बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट नहीं है कन्फॉर्मेशनल, इंटरमीडिएट बोर्ड एग्जामिनेशन के लिए, कंपटीशन के लिए कोई लिमिटेशन नहीं होता है, कॉम्पिटिटिव एग्जाम में कोई भी टॉपिक पूछा जा सकता है, सबका इक्वली इम्पोर्टेंस। तो सबको एक एक करके जो है हम लोग सीखेंगे, जानेंगे इस चैप्टर में, यही सिलेबस हो गया समझ लो आइसोमेरिज का। अब इसके अंदर जैसे ही हम लोग जाते जाएंगे और ही वाइड होते जाएगा, तो बस टॉपिक लिखा हुआ है, डील करते समय अब जैसे ऑप्टिकल आइसोमेरिज में इसको डील करोगे, इसके अंदर 8-10 टॉपिक्स आ जाएंगे, उसे एक एक करके डील करना होगा। ज्योमेट्रिकल पढ़ोगे, इसके अंदर कितने टॉपिक्स आएंगे, तो जाने वाला है चैप्टर। स्थिर होकर के जो है अच्छे से पढ़ेंगे, कंटिन्यूसली रिवीजन करने से जो है कंसेप्ट आएगा इस चैप्टर का। कंसेप्चुअल चैप्टर है, रटने जैसा कुछ नहीं है इस चैप्टर में, थोड़ा सा ध्यान से समझोगे, दिमाग में उस बात को फिट करोगे तो काफ़ी आसान हो जाएगा चैप्टर। तो एक एक करके हम लोग डील करें, सबसे पहले स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म की बात करेंगे हम लोग। अब स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म है तो आइसोमेरिज्म का कहानी तो सुन चुके हैं हम लोग, बस ये स्ट्रक्चरल का मतलब समझना है, ठीक है। तो आइसोमेरिज में जैसा कि अभी हमने पढ़ा, सेम फार्मूला बट डिफरेंट प्रॉपर्टीज, स्ट्रक्चर वाला बात भूल जाओ, प्रॉपर्टीज अब याद रखो कि सेम फार्मूला बट डिफरेंट प्रॉपर्टीज, तो वह आइसोमेरिज कहलाएगा। अब प्रॉपर्टीज अलग हो, उसके डिफरेंट स्ट्रक्चरल अरेंजमेंट, डिफरेंट स्ट्रक्चरल arrangements of atoms or groups, तो उस कंपाउंड में जो मॉलिक्यूल है उसमें एटम्स या ग्रुप्स का जो अरेंजमेंट है वह डिफरेंट हो, चाहे जिस वे में डिफरेंट हो, ठीक है, लेकिन डिफरेंट हो। तो यदि एटम्स और ग्रुप का स्ट्रक्चरल अरेंजमेंट अलग अलग हो तो उसी को हम कहेंगे स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म। जैसे मान लो कि एक इस तरह का स्ट्रक्चर हम लिखते हैं ए पी सी, ठीक है, और ऐसे करके हम दिखाते हैं डी, और इसी को एक ऐसे लिखते हैं सी ए डी बी, ठीक, इस तरीके से। अब इसमें देखोगे तो मुख्य रूप से हो क्या रहा है, किसके एटम का अरेंजमेंट जो है ना वह अलग हो जा रहा है, एटम का अरेंजमेंट अलग हो जा रहा है। यहाँ ए से शुरुआत किया हुआ है, यहाँ सी से, यहाँ डी पे एंड कर रहा है, यहाँ बी पे, एटम का अरेंजमेंट अलग अलग हो जा रहा है इसमें,
अच्छा, एटम का अरेंजमेंट अलग होने के वजह से जो है प्रॉपर्टीज का अलग होगा, ठीक है। प्रॉपर्टी अलग किस मायने में होगा तो देखेंगे, अभी एग्जांपल दे करके बताएंगे इसे हम। अब इसके वजह से एक तो अरेंजमेंट तुम देख रहे हो अभी सिमिलर है, कोई ज़रूरी नहीं है, या ऐसे भी हो जाएगा, ऐसे भी हो जा सकता है, चेंज कर जा सकता है। तो मेन है कि उसके एटम या ग्रुप का जो स्ट्रक्चरल अरेंजमेंट है उसमें अंतर होना चाहिए, तो उसी को हम स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म के नाम से जानेंगे। अब इसके कई टाइप्स हमने किए स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म के। सबसे पहला इसमें आता है चेन आइसोमेरिज्म। सिंपल सा डिफिनेशन हम लिखने वाले हैं कि द स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म। अब स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म हम लिख दिए, इसका मतलब कि पूरा कहानी बता चुके हैं, ठीक है। तो द स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म विच एराइजेज ड्यू टू द डिफरेंट अरेंजमेंट्स ऑफ कार्बन चेन। द स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म विच एराइजेज ड्यू टू द डिफरेंट अरेंजमेंट्स ऑफ कार्बन चेन इज कॉल्ड चेन आइसोमेरिज्म। कि उस तरह का आइसो स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म जो उत्पन्न होता है या फिर जिसके होने का वजह होता है क्या, तो उसके अंदर कार्बन चेन का डिफरेंट अरेंजमेंट, फॉर्मूला सेम रहेगा, स्ट्रक्चर अलग होगा। और स्ट्रक्चर अलग क्यों होगा, क्योंकि उसके अंदर कार्बन चेन का अरेंजमेंट अलग होगा। इसी एग्जांपल से देख लेते हैं, जैसे C4H10, ठीक है, पूछा जाएगा बताओ इसका नाम क्या है, तुम तुरंत से चार कार्बन देख करके बोलोगे सर ब्यूटेन है, ठीक है। अब जरा इसके स्ट्रक्चर पे आए हम लोग, या C4H10 को हम लोग कितने तरीके से रिप्रेजेंट कर सकते हैं, तो एक तरीका यह हुआ जिसमें चारों कार्बन एक दूसरे से कॉन्टिन्यूस चेन में है, मतलब कि एक लीनियर चेन का अरेंजमेंट है। लेकिन इसी में एक अरेंजमेंट ऐसा भी दिखा सकते हैं हम लोग, CH3CH CH3CH3। फॉर्मूला सेम है दोनों का, देखो दोनों में जो है चार कार्बन और 10 हाइड्रोजन है, लेकिन दोनों का स्ट्रक्चर अलग है। और दोनों का स्ट्रक्चर अलग क्यों है, क्योंकि दोनों में कार्बन चेन का अरेंजमेंट अलग है। इसमें चारों कार्बन एक दूसरे से लगातार है, लीनियर चेन में है, जबकि यह ब्रांच्ड चेन में आ गया। नाम लिखोगे कॉमन तो इसे हम एन ब्यूटेन कहते हैं, और इसका नाम लिखोगे तो इसे तुम आइसो ब्यूटेन कहोगे। IUPAC नाम में केवल ब्यूटेन हो जाएगा और इसका नाम 2-methyl propane हो जाएगा। अब बताओ कि अब यदि यह फॉर्मूला दे करके तुम्हें कोई कह रहा है कि इसका नाम बताओ, तो क्या ब्यूटेन कहना सही है? नहीं सही है, क्योंकि इस फॉर्मूला से दो अलग अलग स्ट्रक्चरल अरेंजमेंट हो रहा है और उन दोनों का नाम अलग है भाई, एन ब्यूटेन और आइसोब्यूटेन। सो यू हैव टू आंसर वेरी क्लियरली दैट फॉर दिस मॉलिक्यूलर फॉर्मूला टू स्ट्रक्चरल अरेंजमेंट्स आर पॉसिबल, वन ऑफ देम इज एन ब्यूटेन एंड द अदर इज आइसोब्यूटेन। तो ब्यूटेन कहना वहाँ सही नहीं होगा, बताना होगा तुम्हें कि भाई इस फॉर्मूला से दो स्ट्रक्चरल अरेंजमेंट होंगे, उसमें से एक का नाम हम एन ब्यूटेन देंगे और दूसरे का नाम हम आइसोब्यूटेन देंगे, तब जाकर के यह बात सही होगा। अब ये दोनों कंपाउंड का भाई प्रॉपर्टी अलग होगा, फिजिकल प्रॉपर्टी अलग होगा, दोनों में से जो है यह कंपाउंड वाटर में ज़्यादा डिजॉल्व होगा, एक कम होगा, इसका जो है बॉइलिंग पॉइंट कम होगा, इसका बॉइलिंग पॉइंट ज़्यादा होगा। केमिकल रिएक्शन भी करवाओगे तो अलग अलग होगा, केमिकल रिएक्शन भी अलग अलग होगा। हैलोजिनेशन करवाओगे, इसके प्रोडक्ट्स अलग आएंगे, इसके प्रोडक्ट्स अलग आएंगे, प्रोडक्ट्स का नेचर अलग होगा, साथ ही साथ प्रोडक्ट का संख्या में भी अंतर आ सकता है। वो जब चैप्टर आगे हम लोग देखेंगे तो समझ जाएंगे वहाँ कि कैसे हो रहा है। उसके अतिरिक्त तुम देखो ना, यहाँ जो है यह कार्बन 1 डिग्री का है प्राइमरी,
टू डिग्री का है वन डिग्री का है, लेकिन यहाँ देखो वन डिग्री कार्बन एट दिस वन इज थ्री डिग्री कार्बन, साफ अंदर दिख रहा है हमें कि जो एन ब्यूटेन है उसमें दो कार्बन वन डिग्री का है, बाकी दो टू डिग्री का, जबकि आइसो ब्यूटेन में जो है एक कार्बन थ्री डिग्री का है और बाकी तीन कार्बन वन डिग्री के हैं। अगर कार्बन का डिग्री अलग हो रहा है भाई तो प्रोडक्ट का नेचर तो ऑब्वियसली अलग होने वाला है। अब चूंकि हमने पढ़ा नहीं है रिएक्शन के बारे में, अभी तो जब पढ़ेंगे उस समय जानेंगे, अभी इतना सा बात समझ करके रखना है हमें बस। उसी प्रकार से एक फॉर्मूला और हम लोग लिखें और उसको बना करके देखें ज़रा। C5H10 तुरंत H10 नहीं H12 तुरंत देख करके कहोगे सर पेंटेन है, ठीक है कह दें मान लेते हैं। अब जरा स्ट्रक्चर बना करके देखो इसका, तो CH3 CH2 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 CH3 एक स्ट्रक्चर बन गया, फिर CH3 CH CH3 CH2 CH3 और एक और CH3 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 ऐसे तीनों में देखो, तीनों में पांच कार्बन 12 हाइड्रोजन है, यहाँ 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 अंतर है, अरेंजमेंट में अंतर है। यहाँ पांचों कार्बन एक के बाद एक लगातार लीनियर चेन में है, यहाँ एक कार्बन सब्स्टिट्यूएंट के रूप में आया, यहाँ दो दो आ गए। कॉमन नेम लिख करके चलोगे दिस वन इज एन पेंटेन, दिस वन इज आइसो पेंटेन एंड द लास्ट वन इज नियो पेंटेन। सो पेंटेन कहना कितना प्रतिशत सही हुआ बताओ, इस कंपाउंड को आप पेंटेन कह रहे हो ये कितना परसेंट सही है कि आप सही कह रहे हो, कितना परसेंट सही है? 33.3% सही है, बाकी आप गलत कह रहे हो, क्योंकि पेंटेन तो इसमें से एक है भाई, दूसरा आइसो पेंटेन है, तीसरा नियो पेंटेन है। तो चूंकि इस फॉर्मूला से तीन स्ट्रक्चर यहाँ बन रहा है तो तुम्हें क्लियरली बताना होगा कि C5H12 मे बी एन पेंटेन, मे बी आइसो पेंटेन, मे बी नियो पेंटेन और ऑल ऑफ दिच, कि इस फॉर्मूला से ये तीन पॉसिबिलिटी है, तीनों स्ट्रक्चर बन सकता है, तो कोई एक हम नहीं कहेंगे। IUPAC नाम में अलग हो जाएगा ना, केवल पेंटेन इसका हो जाएगा 2-methyl-butane एंड दिस वन इज 2-2-dimethyl-propane, पेंटेन ब्यूटेन प्रोपेन अलग लगा रहा है। फिजिकल प्रॉपर्टी अलग होगा, केमिकल प्रॉपर्टी अलग हो जाएगा, वाटर में सॉलिबिलिटी अलग हो जाएगा, सबसे ज़्यादा ये सॉलिबल होगा उससे कम ही सबसे कम ही, बॉइलिंग पॉइंट में सबसे ज़्यादा इसका हो जाएगा उससे कम इसका उससे कम। कार्बन का नेचर देख लो, 1 degree, 2 degree, 2 degree, 2 degree, 1 degree, 1 degree, 3 degree, 1 degree, 2 degree, 1 degree, ये हो गया 4 degree, बाकी सारे 1 degree, देख रहे हो इसमें 1 degree, 2 degree कार्बन है, इसमें 1 degree, 2 degree, 3 degree सब है, इसमें 1 degree और 4 degree है। अभी डिग्री लिख करके हम बताना क्या चाह रहे हैं, जब वो चैप्टर करेंगे ना तो समझ में आ जाएगा कि अलग अलग तरह के कार्बन हैं, उस कार्बन से जुड़े हुए हाइड्रोजन अलग अलग नेचर के हुए, तो केमिकल रिएक्शंस इनका डेफिनेटली अलग होगा ही होगा, ठीक है। तो यह चेन आइसोमेरिज तक हम लोग कर लिए, इतना एक बार अच्छे से रिवाइज कर लोगे थोड़ा ध्यान में रहेगा, तो जब नेक्स्ट लेक्चर हम लोग करेंगे तो उसमें इसी चीज़ से आगे बढ़ेंगे। तो आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।